देखो बाबू, हम लोग प्रीवियस क्लास में बोल दिए थे कि हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, तो हम लोग प्रीवियस क्लास में जो मैथमेटिक्स में पढ़ रहे थे, फैक्टराइजेशन पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का। ए मालूम हुआ करता था, बी मालूम हुआ करता था, सी मालूम हुआ करता था, और ए आर सी को मल्टीप्लाई करते थे, और ए आर सी को ऐसी तरह से फैक्टर करते थे कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर बी आना चाहिए, और उसके बाद उसका फैक्टराइज करते थे। ये तो सीखे थे हम लोग। अब हम लोग यानी 2D तक हम लोग सीख लिए थे, ठीक है, फैक्टराइज करना। आज हम लोग जो पढ़ेंगे बाबू, पॉलिनोमियल का 2D हो गया है, ठीक है। आज हम लोग जो एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं, उस एक्सरसाइज का नाम है, एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज 2H। देखो आपको, हम लोग इस सब जितना भी अलजेब्रा में फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाला उनका लिस्ट हम आप लोग को भेज दिए थे। अभी कह रहा है का एक्सपेंड। अब पहले तो फैक्टराइज पढ़े थे, उससे पहले जीरो भी निकालना सीखे थे। आज हमको कह रहा है एक्सपेंड करने के ना, उसके बाद फिर फैक्टराइज करने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है? एक्सपेंड एक्सपेंड ए प्लस 2B प्लस 5C का होल स्क्वायर। इसको कह रहा है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए कि इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा। इसको देखने से क्या लगता है बाबू? इसको देखने से ऐसा नहीं लगता है, ए प्लस इतना को बी कंसीडर कर लिए, प्लस इतना को बी कंसीडर कर लिए, तो ए प्लस बी प्लस सी और फिर क्या है होल स्क्वायर है। तो ये फॉर्मेट जा रहा है ऊपर वाला, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी प्लस सी को हम क्या लिखते हैं बाबू? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का एक्सपेंडेड फॉर्म है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। अब हम उसके जब उसका वैल्यू पुट कर देते हैं, ए की जगह पे यहाँ क्या बाबू? ए ही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे यहाँ कितना बाबू? 2B है, 2B का स्क्वायर प्लस सी की जगह पे यहाँ कितना बाबू? 5C, तो 5C का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया प्लस सी स्क्वायर हो गया प्लस 2AB। 2 इंटू ए की जगह पे कितना वैल्यू? ए की जगह पे ए है तो ए लिख दिए। इंटू बी की जगह पे कितना है बाबू? 2B, तो 2B लिख दिए। प्लस 2BC, 2B का वैल्यू कितना बाबू? 2B, तो 2B लिख दिए। इंटू सी का वैल्यू कितना है? 5C, तो 5C लिख दिए। प्लस 2CA, तो 2CA, सी का वैल्यू कितना है? 5C इंटू ए का वैल्यू कितना है? ए। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ए स्क्वायर को ए स्क्वायर लिख दिए प्लस 2B का होल स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4, अब बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, और 5C का होल स्क्वायर का मतलब ये हुआ 5 का स्क्वायर 25, और सी का स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 2 जा 4, ए और बी 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 होगा प्लस 5 2 10 20 20 4 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
हेलो दूसरा नंबर लेकर के हम समझाते ठीक है कैरा करने के लिए वेरी गुड एक्सटेंड वन बाई टू ए माइनस वन बाई फोर बी प्लस टू का होल स्क्वायर इसको भी कह रहा है बाबू एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए जैसे इसको कह रहा था एक्सपेंडेड फॉर्म में करने के लिए तो इसको भी एक्सपेंडेड फॉर्म में देखो ऊपर वाले को फिर समझा रहे प्लस टू बी अगर मूव हो जाएगा तो समझ में आएगा बाबू आप लोग को फिर म्यूट हो जाइए का
ए प्लस टू बी प्लस फाइव लिखा हुआ है, तो देखने से क्या लग रहा है, इसको देखने से ये लग रहा है। देखो अब क्वेश्चन वन जो हम सॉल्व किए कह रहा था ए प्लस टू बी प्लस फाइव सी के होल स्क्वायर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए, एक्सपेंड करने के लिए कह रहा है, तो कैसे एक्सपेंड करेंगे, तो हम क्या लिखे, इसको देखने से क्या लगता है ए प्लस टू बी प्लस फाइव सी, ये ऐसा लगता है देखने में ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, ये फॉर्मूला है बाबू, यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला है। अब हम ए स्क्वायर के जब ए का वैल्यू यहाँ कितना है ए है, तो ए लिख दिए प्लस है, तो प्लस लिखे बी के जब यहाँ कितना है बी के जब यहाँ बाबू टू बी है, टू बी लिखे स्क्वायर स्क्वायर रखे बी का वैल्यू यहाँ कितना है बाबू टू बी, टू बी थ्री के जाते हम टू बी डाल दिए स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिए, प्लस है तो प्लस लिख दिए, सी का वैल्यू कितना बाबू ट्वेंटी फाइव, सी का वैल्यू सी का वैल्यू कितना है फाइव सी, तो यहाँ सी के जाते फाइव ही डाल दिए स्क्वायर था तो स्क्वायर दिए, प्लस टू ए बी लिखा हुआ है तो टू ए के जाते ए है तो ए लिख दिए इंटू बी, बी के जाते यहाँ कितना है टू बी टू लिख दिए, प्लस प्लस टू बी सी लिखा हुआ है टू बी सी तो टू टू लिखे और बी के जाते कितना है बाबू टू बी इंटू सी के जगह कितना बाबू फाइव सी सी यानी फाइव सी लिख दी, प्लस टू सी ए तो टू सी के जगह पे कितना है फाइव सी तो फाइव सी लिख दिए और ए के जगह पे कितना है ए लिख दिए। अब फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर लिए, देखो ए का स्क्वायर तो ए का स्क्वायर रह गया उसी तरह और टू बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा टू का स्क्वायर हो रहा है फोर, अब बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, फाइव का स्क्वायर कितना बाबू होता है ट्वेंटी फाइव और सी पे स्क्वायर है सी पे स्क्वायर डाल दिए। अब ये दोनों ये तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखो पहले नंबर को मल्टीप्लाई करके टू टू या फोर और ए आर बी है तो ए बी लिख दी, फिर यहाँ फाइव है टू है और टू है ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तो फाइव टू जा टेन टेन टू जा ट्वेंटी, बी और सी मल्टीप्लाई होगा तो बी सी हो जाएगा, फिर ये तीन आपस में मल्टीप्लाई होगा तो फाइव टू जा टेन बी और ए है तो सी एल बी, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया इसका ए प्लस टू बी प्लस फाइव सी का होल स्क्वायर का एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फाइव सी स्क्वायर प्लस फोर ए बी प्लस ट्वेंटी बी सी प्लस एल सी ए। उसी तरह इसको भी करना है, ये देखने में नहीं लग रहा है इसको ए कंसीडर कर लेते इसको बी कंसीडर कर लेते हैं इसको सी कंसीडर कर लेते हैं, इसको मैं ऐसा लिख सकते देखो बाबू इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं वन बाई टू ए अलग फॉर्मेट में इसको डालिए कि माइनस है माइनस फोर डाल लेते हैं प्लस कर दे रहे हैं अब माइनस वन बाय फोर को अंदर कर देते हैं माइनस वन बाय फोर बी प्लस टू को टू रह देते हैं इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर डालिए, तो यहाँ क्या नजर है ये ए कंसीडर कर लेते इसको बी कंसीडर कर लेते इसको सी कंसीडर कर लेते ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पे जाता हुआ नजर आ रहा है, तो इसको हम फिर लिखेंगे ये हो गया आपका ये ए हो गया ये आपका हो गया बी हो गया और ये आपका हो गया सी, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर चला गया ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर स्क्वायर डाल दिया तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू अभी हम बताए हैं क्या बताए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये पुट कर देते यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, ये जो फॉर्मूला है जो हम आपको लिस्ट के थ्रू भेजे थे इसका फॉर्मूला लिख करके ये लिख गए। अब बताइए बाबू यहाँ ए स्क्वायर तो ए के जगह पे यहाँ कितना है वन बाई टू ए है ना, यहाँ पर लिख देंगे वन बाई टू ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू इसमें कितना बाबू बी का वैल्यू माइनस वन बाय फोर बी, यहाँ पर लिख देंगे माइनस वन बाय फोर बी का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना बाबू सी के जगह पे कितना है टू तो टू का स्क्वायर, अब ये ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया प्लस सी स्क्वायर हो गया अब टू ए बी बच गया तो प्लस है तो प्लस यहाँ लिख दिए टू को टू लिख दिए ए के जगह पे यहाँ कितना है बाबू ए के जगह पे ये लिखे वन बाई टू ए तो वन बाय टू लिख दिए इंटू बी के जगह पे कितना है माइनस वन बाय फोर बी वो लिख दिए प्लस टू ए बी लिखा गया अब प्लस टू बी लिखेंगे तो टू बी के जगह कितना है माइनस वन बाय फोर बी और सी के जगह कितना है टू
तो टू बीच भी लिखा गया प्लस में और फिर प्लस टू सी ए बाकी रह गया है, तो टू सी के जगह पे कितना है बाबू, सी के जगह पे कितना है टू, तो सी के जगह पे टू इंटू ए के जगह पे कितना है वन बाई टू ए, तो वन बाई टू ए। अब देखो बाबू इसको सॉल्व करते हैं, वन का एफ आर कितना होगा, वन बाई टू का वन बाई टू ए लिखा हुआ है, वन बाई टू ए का होल स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर वन और बाय में टू है तो टू का स्क्वायर फोर, यानी वन बाई टू का स्क्वायर हो गया वन बाई फोर, ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और प्लस है तो ये प्लस उतार दिए, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो ही जाता, माइनस का स्क्वायर प्लस, माइनस का स्क्वायर का मतलब माइनस माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, तो वन का स्क्वायर हो जाएगा वन और फोर का स्क्वायर हो जाएगा सिक्सटीन, यानी वन बाय फोर का स्क्वायर हो गया वन बाय सिक्सटीन और बी का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर, प्लस टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा फोर, तो फोर लिख दिए प्लस है तो प्लस लिखे, ये देखो अब ये टू यहाँ भी डिवाइड में है और ये टू यहाँ मल्टीप्लाई में, ये टू से ये टू कट जाएगा, बचा का पहले नंबर लिखेंगे कहा माइनस या प्लस है तो प्लस माइनस, माइनस से माइनस उतरेगा और वन बाय फोर है तो वन बाय फोर लिख दिए और ए और बी बचा हुआ है तो ए और बी लिख, फिर उसके बाद देखो बाबू टू से ये फोर कट जाएगा, टू टू या फोर और ये टू से ये टू कट जाएगा तो बच जाएगा सिर्फ माइनस बी, वन और बी बचा वन बी, वन लिखा गया था तो माइनस बी, और फिर उसके बाद यहाँ देखो बाबू ये टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा प्लस टू बन जा टू ए, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, यानी वन बाई टू ए माइनस वन बाई फोर बी प्लस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया वन बाय फोर ए का होल स्क्वायर प्लस वन बाय सिक्सटीन बी स्क्वायर प्लस फोर माइनस वन बाय फोर ए बी माइनस बी प्लस टू ए, ये फॉर्मूला हो गया बाबू। इसमें कोई दिक्कत इसमें कि अगर ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर को एक्सपेंडेड फॉर्म कहेगा लिखने के लिए तो इस तरह के फॉर्मेट में उसको लिखेंगे। एक बार याद रखिए अगर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो प्लस भी करके माइनस को अंदर कर लेंगे ब्रैकेट में, तो ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे चला जाएगा आसानी से। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, एक बार और सर। क्या हुआ सर, एक बार और देखो बाबू, वन बाय टू ए माइनस वन बाय फोर बी प्लस टू का होल स्क्वायर कह रहा था वो एक्सटेंडेड फॉर्म है, यानी पहला करके लिखने के लिए कह रहा था, तो हम इसको वन बाय टू ए को हम ब्रैकेट में दे दिए वन बाय टू ए, और यहाँ माइनस वन बाय फोर भी लिखा हुआ था ना, तो यहाँ प्लस लिख दिए, अब माइनस को ब्रैकेट में लिख दिए माइनस वन बाय फोर बी प्लस है तो प्लस, यहाँ टू है तो टू लिख दिए, इस पे होल स्क्वायर था तो थोड़ा सा मिडिल ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट यूज कर चुके थे इसीलिए मिडिल ब्रैकेट देकर के होल स्क्वायर डाल दिए। ये इसको हम ये क्या कंसिडर करिए, ये कंसिडर कर लिए माइनस वन कंसिडर कर लिए और टू को बाबू सी कंसिडर कर लिए, तो ए ये होगा प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, तो ए के जगह पे यहाँ कितना ए वैल्यू पुट कर, ये तो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला हम लिख लिए, इसका वैल्यू इसमें पुट कर दिए, तो ए के जगह पे यहाँ कितना वन बाय टू ए, वन बाय टू ए का होल स्क्वायर कर दिए प्लस है तो प्लस, बी के जगह पे कितना है बी के जगह पे है माइनस वन बाय फोर, माइनस वन बाय फोर बी यहाँ बी लगा हुआ था माइनस वन बाय फोर बी इस पे स्क्वायर स्क्वायर डाल दिए प्लस सी स्क्वायर, सी के जगह पे यहाँ क्या रहा सी जगह पे यहाँ पे टू है तो टू का स्क्वायर है स्क्वायर डाल दिए प्लस टू ए बी प्लस है तो प्लस लिख दिए टू को टू लिख दिए और ए के जगह पे ए का वैल्यू कितना निकाले वन बाई टू ए लिख दिए के जगह पे वन बाई टू ए इंटू बी के जगह पे कितना रहा माइनस वन बाई फोर बी तो माइनस वन बाई फोर लिख दिए प्लस टू बी सी है लिखा हुआ फॉर्मूला में तो टू को टू लिखे बी के जगह पे माइनस वन बाई फोर बी था तो माइनस वन बाई फोर बी लिखिए इंटू सी के जगह पे कितना था टू तो टू लिखिए उसके बाद प्लस टू सी ए है तो प्लस टू सी ए लिखे तो प्लस टू इंटू सी के जगह पे कितना है बाबू टू है तो टू लिखिए ए के जगह पे कितना है बाबू वन बाई टू ए तो वन बाई टू ए लिखिए और इसको सॉल्व किए तो वन बाई टू का स्क्वायर हो गया वन बाय फोर और ए का स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर प्लस है तो प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता तो प्लस लेने की जरूरत नहीं डबल डबल और वन बाय फोर का स्क्वायर होता है बाबू वन बाय सिक्सटीन वन का स्क्वायर वन और फोर का स्क्वायर फोर फोर जा सिक्सटीन और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर यानी वन बाई फोर बी का होने स्क्वायर इक्वल टू हो गया वन बाय सिक्सटीन बी स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर कितना होगा फोर तो फोर लिख दिए। अब देखो यहाँ बाबू इसको मर्ज किया ये बाय में टू था यहाँ इंटू में टू था ये टू से ये टू को हम काट दिए
अब कटने वाला कोई चीज नहीं है, तो नंबर कहाँ कहाँ बचा हुआ, ये वन और यहाँ माइनस वन बाय फोर लिखा हुआ है, तो प्लस माइनस माइनस लिख दिए और वन बन जा वन और नीचे में फोर सार कुछ है नहीं, फोर लीजिए और ए और बी बचा हुआ है तो ए और बी लिखिए। अब तीसरा जो मल्टीप्लाई है इसको देख रहे हैं, ये टू से फोर कट गया, टू जा फोर, टू टू जा फोर, टू टाइम्स में आइए टू से ये भी टू कट गया, सिर्फ बचा क्या माइनस प्लस माइनस माइनस और वन और बी है तो वन लिखा नहीं जाता, सिर्फ बी लिख दिए और उसके बाद ये तीन टर्म बचा हुआ, ये तो टू से ये टू कैंसिल हो गया, टू बजा टू और ए है तो ए लिख दिए, ये इसका आंसर हो गया बाबू, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। तो एक्सपेंडेड फॉर्म कहेगा लिखने के लिए इसका, तो आप लोग इस तरह से लिखिएगा। अब इसी पर बेस्ड एक्सपेंडेड फॉर्म दिया रहेगा उसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में कहेगा लिखने के लिए, फैक्टराइज कहेगा करने के लिए, तो कैसे करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया रहेगा कहेगा फैक्टराइज करने के लिए, तो कैसे करेंगे इसको देखिए। एक्सरसाइज 2H का ही क्वेश्चन नंबर हम 3 लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 उसमें लिखा हुआ है फैक्टोराइज, फैक्टोराइज फैक्टोराइज करने के लिए किसको, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, इसको कह रहा है फैक्टराइज करने के लिए, तो कैसे करेंगे बाबू। एक बात बताओ कि पहले ये देखो कि माइनस किसमें लगा हुआ, माइनस वाला टर्म कौन कौन है, ये वाला टर्म माइनस है, ये और ये टर्म माइनस में, ये भी माइनस 24yz है और माइनस 16xz है, तो इस दोनों में बताओ कौन सा वेरिएबल कॉमन है, तो एक स्टूडेंट अनम्यूट होकर के बताएंगे माइनस 24yz और माइनस 16xz ये दोनों निगेटिव है और सब पॉजिटिव ही है, तो इस दोनों निगेटिव टर्म में कौन वेरिएबल कॉमन है, यहाँ yz है यहाँ xz है, तो क्या कॉमन है दोनों में, z कॉमन है, वेरी गुड, यानी z कॉमन है, तो इसका मतलब पता चल गया कि निगेटिव कौन हो रहा, z वाला टर्म होगा, z वाला टर्म क्या है आपका निगेटिव, इसीलिए इसमें माइनस आया, z वाला टर्म क्या है निगेटिव है इसीलिए इसमें माइनस आया, तो जो z वाला टर्म होगा उसको माइनस में करके लिखेंगे, देखो कैसे लिखते हैं, 4x स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं बाबू, 2x का होल स्क्वायर, ताकि फिर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, x का स्क्वायर 8 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 9y स्क्वायर को लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब हम बोल दिए थे z वाला टर्म निगेटिव होगा यहाँ पे माइनस लगा देंगे, और 16z स्क्वायर को लिख सकते हैं बाबू, 4z का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16 और z का स्क्वायर z स्क्वायर यानी प्लस 16z स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4z स्क्वायर, माइनस 4z स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो 16z स्क्वायर हो जाएगा, ताकि माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, अब इसको क्या लिख सकते हैं देखो 12xy प्लस 2 इंटू x, अब इसको देखो यहाँ x जब यहाँ कितना लिखा हुआ है बाबू 2x, तो 2x इंटू y के यहाँ पे कितना रहा हूँ 3y, पहले सॉल्व करके देख लेते इतना हो रहा कि नहीं, 3 2 6 6 2 12, तो 12 और x और y है यानी इसका मतलब 2ab पे जा रहा है, a और b पे जा रहा है लग रहा है, फिर माइनस प्लस है तो प्लस लिख दिए, प्लस दिए या माइनस नहीं दिए, यहाँ प्लस दिए और 2 ये y z वाला टर्म कौन है, y और z ये है, बट जब यहाँ कितना है 3y है और z वाला टर्म कितना है माइनस 4z है, अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिए कितना हो रहा है, नहीं माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 2 3 6 6 4 24, y और z है तो y और z, इसका मतलब ये सही है, फिर ये प्लस नीचे लिख देते प्लस 16xz, x और z है, x और z है, तो 2x के यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू 2x into और z के यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस 4z, सॉल्व करके देख लेते हैं, प्लस यहाँ माइनस है प्लस माइनस माइनस, ठीक है 2 जा 4 4 4 जा 16, x और z इसका मतलब सही है, ये देखने में क्या लग रहा है बाबू,
ये इसको हम ए स्क्वायर कंसिडर कर लें, ये ए टू एस को ए कंसिडर कर लिए तो ए स्क्वायर हो गया, और थ्री वाई को बी कंसिडर कर लिए तो इस पे स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, और माइनस फोर जे को सी कंसिडर कर लिए तो ये सी स्क्वायर हो गया। मतलब ये टू और ये है एक्स और वाई है, ये ए और ये बी कंसिडर किया, ये ए और ये बी कंसिडर किया, तो टू ए बी के टर्म क्या आ गया, और ये क्या लग गया टू बी के टर्म पे लग रहा है टू बी सी लिख दिए, और ये क्या लग रहा है टू सी ए के टर्म में लग रहा है टू सी ए लिख दिए, तो यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए के टर्म पे ये पूरा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बाबू, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख सकते कि नहीं लिख सकते, इतना एक्वल तो हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखो एक जगह पे कितना, यहाँ पे ये वाले को लिखा है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया, इतना जगह पे एक जगह पे यहाँ कितना बाबू लिखा हुआ, एक जगह पे कितना लिखा हुआ है टू है तो टू एस लिख दिए, प्लस बी की जगह पे कितना लिखा है बाबू थ्री बाय लिख दिए, प्लस सी की जगह पे कितना लिखा बाबू माइनस फोर से ब्रैकेट में कर लीजिए, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, टू एस प्लस थ्री वाई और प्लस माइनस माइनस फोर जेड का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर का मतलब वो दो टाइम टू टाइम्स लिखाएगा, इसको लिख देंगे टू एस प्लस थ्री वाई प्लस माइनस फोर जेड इन टू, फिर कर करके लिख देंगे टू एस प्लस थ्री वाई माइनस फोर जेड, ये आपका आंसर हो गया, ये फैक्टराइज हो गया, मल्टीप्लीकेशन के टर्म में आ गए हैं, ये इतना बड़ा टर्म सार, इससे पहले हम पहले दो टर्म का फैक्टराइज करना, उसके बाद हम लोग पढ़े थे तीन टर्म का फैक्टराइज, चार टर्म का फैक्टराइज करना, तो मर्ज कर लेते थे, पेयर पेयर कर लेते थे, यहाँ तीन से ज्यादा टर्म है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स टर्म है, तो इसका फैक्टराइज कैसे करेंगे देख लीजिए, ये इस तरह देखिए, ये फॉर्मेट पे आ रहा था एक्स स्क्वायर प्लस नाइन बाई स्क्वायर प्लस सिक्सटीन जेड स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स बाई माइनस ट्वेंटी फोर बाई जेड माइनस सिक्सटीन एट जेड, ये इस फॉर्मेट पे आ रहा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए के टर्म आ रहा था, तो एक बार बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं बाबू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए के जगह पे यहाँ क्या लिखा हुआ टू एस, ए के जगह पे लिख दिए टू एस, प्लस है तो प्लस, बी है तो बी के जगह यहाँ कितना है बाबू थ्री बाई, थ्री बाई लिख दिए, प्लस है तो प्लस लिखिए, सी के जगह पे यहाँ कितना है बाबू माइनस फोर जेड तो माइनस फोर जेड लिखिए, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर डालिए, तो इसको फिर मर्ज कर ले टू एस प्लस थ्री बाई, यहाँ दो टर्म दो टाइम है तो प्लस माइनस माइनस फोर जेड है तो फोर जेड होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का मतलब दो बार लिखाएगा दो बार लिख दिए, कोई दिक्कत इसमें, हेलो हाँ बोलो बाबू सर, दूसरा लाइन में जो लिखा हुआ है सर, दूसरे लाइन में जो लिखा हुआ है टू ए लाइन जो है यस सर, वहाँ जो टू ए एक्स स्क्वायर को, अच्छा फोर हाँ फोर एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं टू एक्स का होल स्क्वायर, टू के स्क्वायर फोर हो जाएगा तो दिक्कत, एक्स फाइव स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, नाइन को लिख सकते हैं थ्री वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि थ्री का स्क्वायर फिर नाइन हो जाएगा और वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, और यहाँ क्योंकि माइनस क्यू डाले, माइनस हम क्यू डाले, पहले हम चेक किए थे कि माइनस किसने किसने लगा हुआ है, तो पता चला कि इसमें और इसमें माइनस लगा हुआ है, तो इस दोनों में कौन सा वेरिएबल कॉमन है, जेड कॉमन है, इसका मतलब पता चल गया कि निगेटिव जेड में लगा होगा, माइनस साइन जेड में लगा होगा, इसीलिए ये दोनों निगेटिव हुआ, तो जेड में माइनस लगा दी, यहाँ पे इस माइनस देख करके ये माइनस डाले, और सिक्सटीन जेड स्क्वायर को लिख दिया फोर जेड का होल स्क्वायर, ताकि माइनस स्क्वायर क्या होता है प्लस हो जाता है, और फोर का स्क्वायर सिक्सटीन हो जाएगा, जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर, अब ये जो ट्वेल्व एक्स वाई है ना बाबू, ये इसको मल्टीप्लीकेशन टू ए बी के टर्म पे तोड़ ले रहे हैं, तो टू के जगह लिखे और एक्स है ना, यहाँ एक नजर आ रहा है ना, तो एक्स के जब साइड में क्या लगा हुआ है टू एस, तो टू एस लिख दिए, यहाँ बाय वाला टर्म लगा हुआ ना, बाय के जगह पे यहाँ कितना लगा हुआ बाबू थ्री बाय, थ्री बाय फिर को मल्टीप्लाई कर देख लेते कितना हो रहा है कि नहीं, तो थ्री टू जो सिक्स टू जो ट्वेल्व, ट्वेल्व पूरा फोर हो गया और बाय था एक कंबाइन, फिर प्लस है तो प्लस लिखिए, टू फॉर्मूला के लिए लाइन है टू ए बी टू बी सी करने के लिए, टू ए बी टू ए बी टू बी सी टू बी ए करने के लिए, तो टू से टू लिखे और बाय जेड बाय के पास क्या लगा हुआ है थ्री बाय, थ्री बाय लिख दिए, और जेड के साथ क्या लगा हुआ था वन फोर जेड, तो वन फोर जेड लिखे, तो पहले क्या किया जाता है अलजेब्रा में बाबू, पहले साइन मल्टीप्लाई किया जाता, फिर उसके बाद उसका कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई किया जाता, सब वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया जाता था, पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस हो गया ये, अब फिर कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, टू थ्री जा सिक्स, सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर, बाय जेड है तो बाय जेड लिखा गया, फिर ये वाला जो माइनस सिक्सटीन जेड है उसको भी तोड़े प्लस टू को टू लिखे, और एक्स का जेड नजर आ रहा है, एक्स का वैल्यू कितना है टू एक्स है एक्स के जाते, और जेड के साथ आर क्या लिखा हुआ माइनस फोर एक्स माइनस फोर जेड, फिर मल्टीप्लाई करते हैं प्लस माइनस माइनस टू टू जा फोर,
फोर फोर या सिक्सटीन एस और जेड है एस और जेड, ये देखने से क्या लगा इसको एस पर कंसीडर कर लिए, टू एस को ए कंसीडर कर लिए, एस पर थ्री बाय को बी कंसीडर कर लिए स्पेस तो बी एस पर, और माइनस फोर जेड को सी कंसीडर कर लिए स्पेस और एस पर, तो ए पर प्लस बी एस पर प्लस सी एस पर यहाँ तक हो गया। उसके बाद टू ये ए, अगर इसको ए माना गया है इसको बी माना गया तो टू ए बी हुआ कि नहीं होगा, टू ए बी लेंगे, और इसको बी और इसको सी कंसीडर किया, ये बी है ये आपका ए है ये बी है और ये सी है, तो बी और थ्री बाय और माइनस फोर जेड तो इसको बी सी लिख सकते हैं, यहाँ टू है तो टू बी सी लिखे, और टू एक्स और जेड है तो टू एक्स को माना गया ए और माइनस फोर जेड को माना गया सी, टू सी कंसिडर कर लिए, ये फॉर्मेट पे आ गया बाबू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, और इतना इक्वल टू हम जाते बाबू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए के जगह पे कितना लिखा हुआ है बाबू, ए के जगह पे टू एक्स लिखा हुआ है तो ए के जगह पे टू एक्स लिख दिए, बी के जगह प्लस है तो प्लस, बी के जगह कितना है बाबू थ्री बाय है तो थ्री बाय लिख दिए, और प्लस है तो प्लस लिखिए, सी के जगह पे कितना है बाबू माइनस फोर जेड, माइनस फोर जेड लिखिए, इस पे स्क्वायर था स्क्वायर डाल दिए, पहले इसका साइन मर्ज कर लिए तो टू एक्स उसी तरह कोई दिक्कत नहीं, प्लस थ्री बाय उसी तरह, यहाँ दो साइन था इसीलिए मर्ज को कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस फोर जेड है तो फोर जेड इस पे होल स्क्वायर, होल स्क्वायर होल स्क्वायर का मतलब दो बार लिखा है 2x एक्स प्लस थ्री बाई माइनस फोर जेड, एक बार लिखा गया फिर इंटू कर करके फिर लिखा गया 2x एक्स प्लस थ्री बाई माइनस फोर जेड, एक्स पे स्क्वायर मतलब ऐसे लिखे ना जी बाबू एक्स इंटू एक्स, वही चीज इसको लिखिए इस पे होल स्क्वायर, ये चीज को दो बार लिख दिए, कोई दिक्कत इसमें आप? हेलो ओके, तो यानी 2x एक्स में बाबू a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर जितना भी चीज था वो था, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमको याद रहेगा तो आसानी से कर लेंगे, और एक बात याद रखेंगे जहां पर माइनस लगा हुआ रहेगा उसको ब्रैकेट में कर लेंगे, अगर ऐसा लिखा हुआ रहेगा 3x माइनस 4y माइनस 9z ऐसा लिखा रहेगा होल स्क्वायर, इसको फॉर्मेट पे लाने के लिए ऐसा कर लेंगे, क्या करेंगे देखो यहाँ 3x को 3 इस तरह कर लेंगे, प्लस ये प्लस ये माइनस अंदर में कर लेंगे माइनस 4y ठीक है, और 9z को ऐसा लिख देंगे माइनस प्लस माइनस 9y, तो ये अब क्या हो गया ए इसको कंसीडर कर लो इसको बी कंसीडर कर लो इसको सी कंसीडर कर लो, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तोड़ देंगे, तो माइनस अगर लगा रहेगा तो माइनस को ब्रैकेट में कर लेंगे, ये माइनस को ब्रैकेट में कर लेंगे आप प्लस ले आएंगे, क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसीलिए कोई दिक्कत इसमें, तो पहले ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर था तो ऐसा करा था लाने के लिए, अब ऐसा दिया हुआ है तो कर ऐसा लाने के लिए, ये ना करा कि बाबू, तो इस तरह से करेंगे, तो टाइम तो हो गया है लगभग लगभग, नेक्स्ट क्लास में बाबू 2i बताएंगे, तो ये हो गया, इसके बाद जो सबसे टॉप यानी सबसे टफ चैप्टर है बाबू ये ज्योमेट्री, तो हम सोच रहे हैं क्या कि लॉकडाउन में लॉकडाउन जब तक है तो हम लोग ज्योमेट्री पढ़ लेंगे पॉलिनोमियल के बाद, इसलिए ज्योमेट्री जो है जितना अच्छे से समझ जाइएगा तो आपको अच्छा रहेगा, ये अल्जेब्रा तो आसान है, अल्जेब्रा ये तो आसान है कि नहीं है बाबू, ये जो पॉलिनोमियल आसान है कि नहीं है ज्योमेट्री की बनिस्पत, है सर, तो हम सोच रहे हैं सर पॉलिनोमियल को खत्म करने के बाद पहले ज्योमेट्री ही पढ़ लेंगे, क्या ज्योमेट्री अगर हम लोग समझ लेंगे अच्छे से उसका नोट आपको बाजार एकदम अच्छे से मिल जाएगा, तो आपको ज्योमेट्री बेस मजबूत हो जाएगा, अगर जिस बच्चे का ज्योमेट्री मजबूत हो गया बाबू उसका मैथमेटिक्स पर 80% कमांड हो गया, जिसका ज्योमेट्री पर कमांड हो गया, क्योंकि ज्योमेट्री इतना मेहनत करवाता है इतना दिमाग लगवाता है तुमसे कि आपको मजबूत बना देता है मैथमेटिक्स में, इसीलिए हम सोच रहे कि ज्योमेट्री आपका बेसिक बता ही दिए, अब हम साथ ज्योमेट्री को पढ़ेंगे, यानी ये लेसन खत्म करने के बाद पॉलिनोमियल खत्म करने के बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो ज्योमेट्री ही होगा, क्योंकि ज्योमेट्री नाइन का सबसे ज्यादा टफ होगा, आप पलट करके देखोगेगा तो आपको लगा होगा है ना, तो हम लोग ज्योमेट्री इसके बाद स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन में हम आ रहे हैं कि ज्योमेट्री भी आप लोग का खत्म कर दे, उसके बाद वाला जो चैप्टर है वो इजी है, जब आपका बेस मजबूत हो जाएगा आप दिमाग ज्यादा लगाना शुरू कर दीजिएगा मैथमेटिक्स में, तो फिर तो कोई भी क्वेश्चन देगा आसानी से हम सॉल्व करेंगे, वो कैलकुलेशन आप सब जो नंबर है उस आप सब जो एक्सरसाइज है चाहे वो मेंसुरेशन का हो चाहे वो आपका स्टैटिस्टिक्स हो ये सब इजी है ठीक है, तो हम लोग ज्योमेट्री ही मतलब इसके इस लेसन के बाद करेंगे, तो टोटल इसमें है कितना एक्सरसाइज बाबू 2x हो गया है 2i जो है कल कंप्लीट हो जाएगा 2j उसके बाद बाबू 2k तक बाबू
तो हम सोच रहे हैं कि आप लोग एकदम शांत से रहिएगा, तो आई और कल कंसीडर कंप्लीट करेंगे और आई जो केज है थर्ड डे कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद पॉलीनोमियल कंप्लीट हो जाएगा आपका, यानी इस सेशन में यानी कल तीन दिन होगा ना, तो आज फर्स्ट डे हो गया, कल सेकंड डे, कल दो कंप्लीट कर देंगे आई और जे, और परसों जो है के कंप्लीट कर देंगे, तो पॉलीनोमियल आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे फिजिक्स के बाद। ठीक है, तो आज इतने रहने देते हैं। ओके बाय।